हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इंट्रोडक्शन से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एक शादी का वीडियो है। रिसेंटली मैंने एक मैरिज अटेंड की है, तो ये उसका वीडियो है। एक्चुअली ये मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरे पास माइक है उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, आवाज़ अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा वॉइस ओवर कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, बता सकूं इस वीडियो के बारे में। क्योंकि अगर वॉइस क्लियर नहीं रहती है तो फिर वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता है, तो मैंने सोचा अच्छे से आपको समझ में आए। तो ये मैरिज एक्चुअली मेरे कज़न भाई की शादी की है, और चूँकि लड़की वाले पंजाबी हैं तो ये पंजाबी रीति रिवाज से शादी हुई है। तो मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस रहा है पंजाबी शादी अटेंड करने का। ये देखिए, ये गुरुद्वारे में शादी हुई है, लड़की वाले पंजाबी हैं, और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली इस पंजाबी रीति रिवाज शादी से, काफ़ी नई चीज़ें, और अच्छा लगा, अच्छी बातें सीखने को मिली, और एक नया तरीका है। मतलब हम हिंदू रीति रिवाज जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे अग्नि के सात फेरे लिए जाते हैं, और यहाँ पे जो तख्त है इसके चार फेरे लिए जाते हैं, चार फेरे लेकर के शादी मानी जाती है। तो अच्छा था, काफ़ी अच्छा माहौल था, काफ़ी जो ज्ञानी ये जो तीन लोग बैठे हुए हैं पगड़ी में, ब्लैक पगड़ी में, इन्हें ज्ञानी कहते हैं, और ये बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, बताते हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप देखिए इस वीडियो को, और मिलते हैं हम इस वीडियो के अंत में। आपके लिए योग वर्ग चुना है। आज के बाद आप जिस तरह अपने माता पिता का सम्मान करते थे, उसी तरह अपने सास ससुर को, उनको सास ससुर ना समझ के उन्हें अपने सगे माता पिता समझना, क्योंकि आज के बाद असल माँ बाप आपके सास ससुर हैं। क्योंकि अब तक जिन्होंने आपको पाला पोसा है, आज उन्होंने वो आपको इस परिवार को सौंप रहे हैं, और बच्चे के लिए भी ये बेनती है कि आज के बाद बच्चे का हर एक दुख सुख आपने साथ मिलकर बांटना है। कोई ऊंच नीच वाली बात भी हो तो प्यार से हर बात को आपने लेके चलना है, और अपने सास ससुर का दोनों परिवार को एक दूसरे में सम्मान करना है, तब जाके आपका व्यस्त जीवन सुख में हो सकता है। और एक बेनती जरूर, आपका जहाँ भी मंडी के मंदिर में गुरुद्वारे में जहाँ भी जिसको भी आप मानते हैं, आज से नियम बनाना जरूर, दिन में 24 घंटे में एक बार जरूर आप मत्था टेकने या प्रार्थना करने, चाहे मंदिर में आपका मन टीके या गुरुद्वारे में टीके, आपने जरूर जाना है, क्योंकि आपका जीवन उसके बाद सुख से बढ़ जाएगा।
आप लोगों को ये मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सकें। तो इसी के साथ आपसे लेता हूं मैं इजाज़त। स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें और इसी तरह से मेरे वीडियो देखते रहें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। बाय बाय।